रहीम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मेरा ख्याल और मैं हूँ आपकी होस्ट फरीहा। नाज़रीन, आज हुकूमत का आखिरी दिन था और उनके वादों और दावों की बुलंदो बाला इमारत ज़मीन बोस हो गई। वादे भी वही हैं, दावे भी, और कीमतें हैं कि आसमान पे, और लोड शेडिंग की आँख मचोली भी मुल्क भर में जारी है। आजकल साल के गर्म तरीन दिन हैं और जहाँ लोड शेडिंग की आँख मचोली की बात है तो वो वहीं की वहीं है। रमज़ान वाकई आजमाइश का महीना बनता जा रहा है। दूसरी जानब पीटीआई ने नासिर खोसा का नाम पहले दिया और फिर खुद ही वापस ले लिया, जिसके बारे में शहबाज शरीफ का ये कहना है कि ऐसा क्यों हुआ कि आप पहले सो रहे थे, अब इलेक्शन के इतने पास आके पीटीआई का ऐसा एक्शन, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मजीद ये कि केपी और बलूचिस्तान में इलेक्शन की ताखीर की करारदाद भी पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि वेदर के वर्स होने की वजह से शायद वोटर वोट देने भाग ना निकले, इसलिए इलेक्शन में थोड़ी ताखीर होनी चाहिए। ये उसके अलावा बहुत सी न्यूज़ हैं जिस पर आज हम डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद है मेरे साथी एंकर सैयद कौसर अब्बास, खुशामदीद कौसर साहब। कौसर साहब, सबसे पहले तो नासिरुल मुल्क की कल ओथ सेरेमनी है जिसका प्रेसिडेंट लेंगे हमारे जो सदर ममनून हुसैन हैं, वो लेंगे। तो आपको लगता है कि बीइंग अ केयर टेकर गवर्नमेंट, क्योंकि वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं, और उसका कुछ अच्छा इम्पेक्ट होगा हमारे इलेक्शन पे और वो कदरे फेयर होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, नासिरुल मुल्क साहब जो हैं वो बड़े एक क्रेडिबल पर्सनालिटी हैं, और पीटीआई ने जब स्पेशली ये धरने वाला सारा सिनेरियो हुआ था तो उसकी जो कमीशन बना था उस कमीशन को चेयर जो है वो नासिरुल मुल्क साहब ने किया था, और उस कमीशन ने जो सारी उस सिचुएशन को सारा एनालाइज किया और उसको इन्वेस्टिगेट किया, और उसके बाद उन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस भी दी थी कि इलेक्शंस को बेहतरी के लिए किस तरह की जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो होने की ज़रूरत है आइंदा इलेक्शन के लिए। जिसके बाद 2017 में जो अभी लॉ आया, इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का कानून आया, वो बड़ा अच्छा एक कानून आया और मेरे ख्याल से एक बड़ी बेहतरी की तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम इलेक्शन जो किताब में लिखा जा चुका है कि इलेक्शन बेहतर करनी है। अच्छा। अब आगे प्रैक्टिकली क्या होता है जाहिर है, तो उसके बहुत ज़्यादा इस तरह के मसाइल होते हैं फील्ड लेवल पे, वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि नासिरुल मुल्क साहब जो हैं वो एक क्रेडिबल शख्सियत हैं। बाद में इमरान खान साहब उनको दोबारा फिर बुरा भला कहते रहे और पहले उनकी तारीफ करते रहे, वो वही बात है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो आपको पता है जब उनकी थोड़ी सी उन्हें चीज़ नज़र आती है अपने लिए फेवर, वो बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हैं, और जब उनको फेवरेबल नहीं नज़र आती तो वो उनको अपोज करना शुरू कर देते हैं। वो कोई भी पर्सनालिटी हो सकती है, जैसे आजकल आप देखें चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको पीटीआई बड़ा सपोर्ट कर रही है और नून लीग जो है वो उनको हमेशा बुरा भला कहती है, तो ये सिचुएशन चलती रहती है। और आई थिंक अगर इस तरह की सिचुएशन में हम लोग लगे रहेंगे कि सारे लोग उससे मुत्तफिक हो जाएं, तो सारे तो एक घर में जो है ना, अगर पांच बच्चे होते हैं तो वो सारे के सारे वालदैन उसको वालदैन जो है उन सारों के सारों को राजी भी नहीं कर सकते, सारे के सारे होते भी नहीं है राजी। तो यकीनन आपको एक रीजनेबल तरीके से, हाँ आपको बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन ना हो किसी को, वो एक अलग बात है, लेकिन अब देखें पंजाब में जो ब्लंडर किया पीटीआई ने, मेरे ख्याल से वाकई ब्लंडर है कि आप मतलब जब आप एक चीज पे कंसेंसस आपका बिल्ट हो रहा है, अनाउंस हो चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, मीडिया पे आके आप बात कर चुके हैं, आप उस पर बिल्कुल आपने उस पर इजहार इत्मीनान कर दिया है, लेकिन उसके बाद उसके बाद थोड़ी देर बाद जो जनाब आप जाके कहते हैं कि जी नहीं 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 हमें तो इस पर यकीन नहीं है, तो ये नून लीग का बंदा है, तो ये है, तो वो है, तो इस तरह की सिचुएशन है। और मियां महमूद रशीद साहब जो हैं वो आप अगर देखें तो वो अभी कल भी और आज भी बहुत सारे चैनल्स पर बैठ के भी यही कह रहे हैं, मेरी अपनी भी उनसे बात हुई तो वो यही कह रहे हैं कि वो कहते हैं जी मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे अब जो है हमें इस पे यकीन नहीं है, तो इसलिए मैंने अदम एतमाद का इजहार किया, वरना पहले खान साहब ने ही कहा था कि हम इसको सपोर्ट करते हैं। सेम इज़ द केस विद केपी, केपी के वो जो अफरीदी साहब बनाए, वो जब इमरान खान साहब से आगे मिले पहले वो अनाउंस हो गया कि जी कल फाइनल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अफरीदी साहब जो हैं वो आपके
चीफ मिनिस्टर होंगे केयर टेकर के लिए, लेकिन जब वो खान साहब से मिले तो खान साहब ने फिर उस पर जो है ना यू टर्न ले लिया। तो मेरे ख्याल से इसको कम अज़ कम तमाम पोलिटिकल पार्टीज को इतना मेच्योरिटी ज़रूर शो करनी चाहिए। अब इलेक्शन के पास सब इमरान खान साहब के इतने जो हैं वो फैसले जो स्टेबल नहीं हैं, बार बार यू टर्न ले रहे हैं, तो इससे कुछ फर्क नहीं आएगा। मेरे ख्याल से देखें सबसे मेन चीज जो होती है ना, आपने जब मुल्क चलाना होता है या कोई भी, तो आपके अंदर फैसला करने की सलाहियत होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप एक डिसीजन करें फिर सोचें फिर उसे रिवर्ट करें फिर डिसीजन करें फिर सोचें। तो भाई अच्छा, अभी डिसीजन करें नहीं, अनाउंस भी कर दें, अभी अनाउंस भी कर दें। और अभी तो देखें एक वज़ीर-ए-आला या उसकी बात है, आपने अगर पूरे मुल्क को चलाना है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए आपने डिसीजन करने होते हैं। जब आप पूरे मुल्क को चला रहे होते हैं तो बहुत सारे आपको फैसले करने होते हैं, कई चीज़ों पे आपको हल्की फुल्की लचक भी दिखानी पड़ती है, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है आपको। तो अगर आप अभी से चीज़ें जो हैं वो उस तरह अपना इंप्रेशन शो कर रहे हैं कि मैं डिसीजन मेकर अच्छा नहीं हूँ, तो मेरे ख्याल से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कम से कम ये ज़रूर देखेंगे कि अगर कल आपको मुल्क दे दिया जाता है तो फिर आप क्या करेंगे। तो इस पर तमाम जो पोलिटिकल पार्टीज हैं उनको थोड़ी सी मेच्योरिटी शो करनी चाहिए, बजाय इसके कि एक शख्स को पकड़ें फिर उसको उसकी बाल की वो क्या कहते हैं बाल की खाल उतारें, उसके बाद फिर उसको फारिग करें, फिर एक नए बंदे के साथ वो करें। तो इलेक्शन अगर आप चाहते हैं कि टाइम पर हो, तो अब ये आपके आप पे है ना कि आप एक जमहूरी तर्ज अमल यही है कि आपकी जो सिटिंग असेंबलीज हैं उनको चाहिए कि वो खुद से नॉमिनेट करें, बजाय इसके कि मामला कमेटी में जाए या इलेक्शन कमीशन में जाए और फिर वही इलेक्शन कमीशन किसी भी बंदे को लगा दे और आपको आप सबको मानना पड़ेगा कि वो इलेक्शन कमीशन ने लगाया है। अच्छा, आज हुकूमत का आखिरी दिन था, इतने वादे उन्होंने किए, और 2013 में जब ये आए तो उसका इलेक्शन उन्होंने इस मोटो पे लड़ा था कि हम बिजली पूरी करेंगे, बहुत लोड शेडिंग है ये करेंगे, 10,000 मेगावाट के वादे भी थे। और आज मेरा हाल है, जब मैं घर से निकली तब भी लाइट नहीं थी, सुबह सेरी में भी लाइट नहीं थी, यही हालत अफ्तार के वक्त का भी था। हालांकि ये दो वो वाहिद औकात हैं कि जब एटलीस्ट उन्होंने वादा किया था कि लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अभी कामों को खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे कि देखें नून लीग की हुकूमत ने आपको अंधेरों से निकाला है, जब हम आए थे तो बिजली जो है वो इस मुल्क में बहुत ही बुरे हालात थे लोड शेडिंग के, लेकिन अब अगर आप देखें तो बिजली जो है वो ऑलमोस्ट सारी जगहों पे जो है वो आपको नजर आ रही है। कौन सी जगहों पे आ रही है, वो जगह कौन सी है जहाँ पे नजर आ रही है, वो आप पिंडी इस्लामाबाद के हालात देख लें तो वहां पे इतनी ज्यादा लोड शेडिंग है, बाकी एरियाज को अगर आप देखेंगे तो आप मतलब काबले बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। आप कराची देख लें, लोग मर रहे हैं गर्मी से, आप साउथ पंजाब देख लें मर रहे हैं लोग गर्मी से, आप लाहौर देख लें, बाकी इस तरह के जो शहर देख लें, और उधर से फिर टेम्परेचर भी जो है वो आज इस दफा जो है वो इतना ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, और उस पर भी हमारी हुकूमत ने आज तक क्लाइमेट चेंज पे को बहुत ज्यादा मेजर कोई काम नहीं किया। कि आप एक साइड पे तो कहते हैं कि चलें इमरान खान को हम अप्रिशिएट करते हैं इस बात पे कि उन्होंने वो बिलियन ट्री सुनामी वाला एक कॉन्सेप्ट लाया, जिसकी वजह से बहुत सारे आपके जो 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 एटलीस्ट वेदर है जो क्लाइमेट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और यही काम क्या पंजाब में नहीं हो सकता था कि आप फिर आप रोते हैं कि सैलाब आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप कम अज़ कम प्लांटेशन ही कर देते, ट्री प्लांटेशन ही अपने सूबे में कर देते, अपने सूबे को ग्रीन बना देते, ताकि लोग कहते हैं कि यार शहबाज शरीफ साहब ने अपने सूबे में कम से कम कोई मसाइल क्लाइमेट के मसाइल तो जो है वो हल कर दिए हैं। कोशिश साहब, ये बताइएगा कि हमें अब आने वाले कुछ अरसे में बहुत इस पर बातचीत हो रही है, काफ़ी रिसर्च भी हुई है, पानी का मसला बहुत संगीन होने जा रहा है, पानी की शॉर्टेज की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अगर दूसरी तरफ आप ये देखें तो जितने सैलाब अभी एक दो साल पहले भी सैलाब आए होंगे, वो अभी आगे भी जब बारिशें होंगी, तो उनका पानी जो सैलाब की सूरत में हमें नुकसान करता है, अगर उसी को बींग अ रिजर्वॉयर डील करके हम डैम बनाएं या उसको कहीं हम जो है वो जमा करके उसके ऊपर ही कुछ प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करें, वो हम नहीं करते, और फिर अब 2020 से ऑनवर्ड ये पाकिस्तान में पानी का मसला और ज्यादा होता जाएगा, नई गवर्नमेंट आएगी तो उसके लिए सबसे जो एक चैलेंज होगा वो ये होगा, क्योंकि इंडिया आहिस्ता आहिस्ता पीछे से कट ऑफ करता जा रहा है। देखें, सबसे बड़ा मसला यह है कि जहाँ पे जो भी हुकूमत आती है वो ये समझती है कि मेरे लिए को बहुत बड़े किस्म के जो चैलेंजेस हैं ना वो रख के गए हुए हैं। इशू क्या है कि आपकी जो ऑलरेडी चलने वाली पॉलिसी होती है उस पॉलिसी को अगली गवर्नमेंट चलाती नहीं है, और जिसकी वजह से वो काम आपका अधूरा का अधूरा रह जाता है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है उस पॉलिसी में, और जब आपका पिछला काम अधूरा का अधूरा रह जाता है, अगले काम को आप नए सिरे से शुरू करते हैं, जब तक आप उसे थोड़ा सा
इनिशिएट करने की पोजीशन में होते हैं, आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है, फिर अगला आता है, फिर वो नया प्रोजेक्ट शुरू कर देता है। सबसे पहले तो इस पे कम अज़ कम पोलिटिकल कंसेंसस बिल्ट होना चाहिए कि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ ने बनाए हैं, चाहे वो परवेज खट्टक ने बनाए हैं, चाहे वो कायम अली शाह ने बनाए हैं, मुराद अली शाह ने बनाए हैं, या बरिंजो साहब ने बनाए हैं, किसी ने भी बनाए हैं, उसको फर्दर लेके चलना चाहिए जो भी उस सूबे में या वफाकी सतह पे अगला वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या हुकूमत आए, जो भी किसी की आए। दूसरी बात जो आपने पानी की, वाकई पानी का बड़ा सीरियस क्राइसिस जो है ना वो डेवलप होने जा रहा है, और अगले 2 से 3 सालों में मेरा मुझे एग्जैक्टली वो फिगर याद नहीं है, लेकिन पानी का इतना सीरियस क्राइसिस होगा कि लोगों को शायद पानी पीने का जो है वो भी उस तक भी जो है वो एक्सेस नहीं होगी। दूसरी साइड पे एक तो ये है ना, पानी पीने की एक्सेस नहीं होगी, साफ पानी मिलना तो दूर की बात, एक्सेस ही नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि आपको पानी जो मिल रहा है वो कहाँ पे आपको साफ मिल रहा है? आपने पंजाब में साफ पानी कंपनी बनाई और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम अज कम पंजाब में तो बड़ा साफ सुथरा पानी आना शुरू हो जाएगा, लेकिन हम ब्रेक के बाद पहुंचे, लेकिन कोई अभी तक लोगों को पानी वहां पे नहीं मिला। नाज़रीन, इसी सवाल को ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।